ये है, इनका नाम है नौशीन, दिस इज नौशीन। इनको मारा गया शम्स कॉलोनी में। अब कहा ये जाता है, वेल इनका एक बेटा है 8 साल का, इनकी शादी हुई हुई थी और इनकी अभी नई नई डिवोर्स हुई थी। ये केस जो है मेरे ख्याल से 3 4 महीने पुराना है। मैंने कल, मैं जब देख रही थी इस पे, तो मैंने कहा कि मैंने इसको कवर नहीं किया है, बट आई शुड कवर इट, क्योंकि आई गेस कि मेरे आंखों से स्लिप हो गया। मगर ये नौशीन है, ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी बंदी। इसकी डिवोर्स हुई थी रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ, और इनके कोई वही कोई घरेलू मैटर होंगे जो चल रहे थे। सो इनके साथ क्या हुआ कि इनके घर, जब ये शी वॉज वर्किंग, तो वहां पर इनके पास जो है लोग घुस आए इनकी ब्यूटी पार्लर में, जहां तक मैंने सुना है, और इनका बेटा भी मेरे ख्याल से वहीं पे था। तो लोग घुस आए, आई थिंक 3 लोग थे जो घुस आए, और इनको बहुत बुरे तरीके से गोलियां मारी और वहीं पे इस बंदी को मार डाला। जस्ट व्हाई आई हैव नो आइडिया, इट्स जस्ट वेरी सैड। इसके बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, बेचारा 8 साल का है, तो यही बता रहा था कि वो छुप गया। वो कह रहा था कि मैं, ये लोग आए और वो डक हो गया, क्योंकि अगर वो डक नहीं होता तो उसने कहा कि वो एक गोली तो मेरे को भी लग जानी थी। ये एक और डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जहां पर उस बंदी को आई थिंक, क्योंकि उसने डिवोर्स ले ली थी, वो अलहदी जा रही थी और वो अपना कमा रही थी, उसने अपना ब्यूटी पार्लर करा हुआ था, यू नो व्हाट एवर, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर किड। तो वही गुस्से में, तैश में इसको, यानी उस बंद, वो बंदा खुद गया, आई डोंट नो कि वो खुद गया था कि नहीं। ये बंदे की भी शक्ल भी आप दिखा देती हूँ मैं आपको, कि जो बंदा है जिसने इसको मारा है, इनका एक्स, इसने मारा है या मरवाया है, आई एम नॉट टू श्योर, प्रोबेबली मरवाया है। वो ये ना, शक्ल तो ऐसी लानत मनहूस वाली शक्लें होती है ना इनकी, ओ माय गॉड। ये बंदा कहता है, लड़की देखो कितनी खूबसूरत, और उसको इस गधे के साथ बांध दिया है, इस गधे के पल्ले मार दिया है। एक शक्ल देखो इसकी, शक्ल से ही हरामी लग रहा है, ये तो शक्ल से ही हरामी लग रहा है। सो इसने मरवाया या इसने मारा, आई डोंट नो, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक बेचारा 8 साल का बच्चा है, जिसकी माँ तुमने फालतू में उससे छीन ली, जस्ट बिकॉज, क्योंकि तुम्हारा जो पता नहीं क्या था, ईगो हर्ट हो गया था, क्या हो गया था, आई डोंट अंडरस्टैंड टोटली। ये दूसरी स्टोरी थी, इसके ऊपर भी काफी हैशटैग चले, जस्टिस फॉर नौशीन, जस्टिस फॉर नौशीन। I haven't done any digging around, मुझे दिखा नहीं, मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं, क्योंकि ये केस सिर्फ 3 4 महीने पुराना है। मैं काफी ढूंढा मैंने कि मुझे मिल जाए, पता चल जाए कि ये बंदा पकड़ा गया या कहाँ है क्या नहीं, नॉट मच इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों में से किसी को मिले तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, या मुझको आप ई मेल कर सकते हो, वट एवर, यू नो। तो और ये मैं अपना, देखिए यहाँ पर आपको ये नीचे टिकट चला दिया है मैंने, तो यहाँ से आप दूसरे भी जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई इस तरीके की चीज हो। सो लेट मी नो।